हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर। आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली रिविज़न कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग कल के पूछे गए क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है कि 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया। आपको पता है कि मेडल लिस्ट में भारत को नंबर 1 पे लाने के लिए, उसके पदक तालिका को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई है, और अभी 2020 में इसके तीसरे संस्करण का जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा असम में, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गुजरात सरकार ने बालिकाओं के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आपके हिसाब से इसमें सही आंसर कौन सा होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा वहली डिक्री योजना। सही आंसर क्या है? वहली डिक्री योजना सही आंसर होगा, और इसको किसने शुरू किया है? गुजरात सरकार ने। अच्छा, इस योजना में बताया क्या गया है, इस योजना से क्या प्रॉफिट होने वाला है बालिकाओं का? इसमें अगर कोई भी बालिका चौथी क्लास में एडमिशन लेती है तो उसको गुजरात सरकार के द्वारा 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अच्छा, क्यों दिए जाएंगे? देखिए, लोग इससे क्या होगा कि शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। बहुत लोग फाइनेंशियली भी इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि वो पढ़ा नहीं पाते हैं, और बेटों को तो पढ़ाते हैं लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ा पाते। तो इस तरह से फाइनेंशियली उनको मजबूत किया जा रहा है कि आप अपने लड़कियों को पढ़ाइए ज़रूर। इसके बाद जब वह 9वीं क्लास में एडमिशन लेगी तो उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद उसको 1,00,000 मिलेंगे, और शादी के समय भी 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। मतलब ओवरऑल कितना दिया जाएगा? 2,10,000 रुपये उसको मिल जाएंगे उसकी शादी तक। यह योजना है जिसके तहत गुजरात सरकार बालिकाओं को शिक्षित करना चाहती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात की, तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है ये है गुजरात का। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है गुजरात की कैपिटल। सीएम कौन है? तो विजय रूपानी है गुजरात के सीएम, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। मैंने आपको याद कराया था कि व्रत रख के गुजारा किया, और इसलिए आचार्य देवव्रत कहाँ के हैं? ये गुजरात के गवर्नर हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात की, तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला तो ये जान लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। इसके अलावा गुजरात में ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर हाइट की है, वो कहाँ पे है? गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे साधवी द्वीप पे। तीसरा जो है कि गुजरात में भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी बनी है गुजरात के बड़ोदरा में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में कौन है? सबसे ज़्यादा चर्चा में है रोहित शर्मा। तो यह किसने काम किया? यह काम करने वाले हैं रोहित शर्मा। इन्होंने अपने करियर में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, और अभी जो इन्होंने 106वां छक्का लगाया है, इसी के साथ किसके अगेंस्ट लगाया है? तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इन्होंने 106वां छक्का लगाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था? क्रिस गेल के पास था। क्रिस गेल ने T20 क्रिकेट में कुल 105 छक्के लगाए हैं, और 106वां छक्का लगाते ही यह रिकॉर्ड किसके हाथ में आ गया? रोहित शर्मा के हाथ में आ गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा टूल्स एंड वेपन्स, द प्रॉमिस एंड द पेरिल ऑफ द डिजिटल एज। इसके राइटर कौन है? इस पुस्तक के लेखक है ब्रैड स्मिथ और कैसल एन ब्राउन। ब्रैड ब्राउन, याद कर लीजिए, ब्राउड ब्रेड ने लिखा, ब्राउन ब्रेड ने, ठीक है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। नाम अच्छा है, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे भी है ये। तो टूल्स एंड वेपन्स, यह पुस्तक किसने लिखा है? ब्राउन ब्रेड ने लिखा है यह पुस्तक, ब्रैड स्मिथ ने और कैसल एन ब्राउन ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पुस्तक का पूरा इमेज देख सकते हैं। ठीक,
अब अगर हम लोग बात करें कि ये दोनों हैं कौन, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट हैं। और अगर बात करें हम लोग कि इस पुस्तक को लॉन्च कब किया जाएगा, तो इसको 11 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती सिविलाइजेशन। सरस्वती सिविलाइजेशन मतलब सरस्वती जो सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब होता है हमारी सभ्यता। अ पैराडाइम शिफ्ट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है मेजर जनरल जीडी बक्सी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आप इमेज देख सकते हैं। अभी जब पुलवामा वाला अटैक हुआ था तो उस समय इन्होंने स्पीच भी दिया था, काफ़ी ज़्यादा जो डिबेट होता उसमें भी इन्होंने काफ़ी कुछ बोला था। तो ये याद रखिएगा, मेजर जनरल जीडी बक्सी ने किसके ऊपर लिखा है, सरस्वती सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। और इसके साथ साथ भारत के इतिहास पर भी यह पुस्तक फर्क डालती है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? अब कुछ लोग का कमेंट आने वाला है 100%, इसलिए मैं कमेंट आने से पहले ही आप लोग को बता दूं, मैंने ही आपको पढ़ाया था कि कुछ समय पहले तक दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे, बर्नार्ड अर्नॉल्ट। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा यही थे, ठीक। लेकिन अब कौन हो गए हैं, अब हो गए हैं बिल गेट्स। तो इसमें डेटा मेरा तो है नहीं भाई, डेटा आता है ब्लूमबर्ग से। तो वहाँ पे अब फिर से सेकंड नंबर पे आ गए हैं बिल गेट्स, और थर्ड पे कौन चले गए हैं, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, याद रखेगा। और नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है जेफ बेजोस, याद रखेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला हमारा आदि पेरक्कू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अच्छा, इसको मकर विलक्कू से मत कंफ्यूज करिएगा, मकर विलक्कू केरल में मनाया जाता है। और त्रिशूर पूरम कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा त्रिशूर पूरम मनाया जाता है त्रिपुरा में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं आदि पेरक्कू, अच्छा त्रिशूर पूरम को एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अभी क्वेश्चन पे आते हैं, आदि पेरक्कू महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भारत के तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और इसको क्या कहते हैं, मॉनसून फेस्टिवल ऑफ गॉडेस कहते हैं, इसको भी याद रखेगा। बात कर रहे हैं हम लोग तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम कौन है, पलानीस्वामी है, ठीक है, के पलानीस्वामी है। गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित है यहाँ के गवर्नर। अगला हमारा कि हाल ही में इसराइल ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो इसराइल ने एरो 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। साइंस की ओर काफ़ी तेज़ी से इसराइल अग्रसर हो रहा है, ठीक। अच्छा, ये परीक्षण किसकी सहायता से किया गया, तो अमेरिका की सहायता से अलास्का में किया गया है। यह एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है जो हवा में ही अपनी जो एंटी मिसाइल होगी उसको नष्ट कर देगी। अगर किसी मिसाइल से अटैक किया जाता है तो हवा में ही उसको नष्ट करने की कैपेसिटी है। अगला हमारा, हाल ही में किसे प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह अवार्ड दिया गया है विनायक एस हिरमत को, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साउथ में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये गुलमर्गा के सबसे कम उम्र के डॉक्टर हैं और अपने क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस वजह से। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी वाटर स्ट्रेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत की रैंक है 46। कौन सी रैंक है, भारत की 46। देश के 20 बड़े शहरों में 11 शहर ऐसे हैं जो आने वाले समय में खतरनाक जल स्थिति का सामना करने वाले हैं। और यह इंडेक्स क्या करता है, घरों उद्योगों कृषि क्षेत्रों की जल खपत की दर और नदियों और झीलों में उपलब्ध जल को मापता है और बाद में अपनी रिपोर्ट देता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो ने कहाँ पर पश्मीना परीक्षण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा किया है। अब पश्मीना आपको पता है कि पश्मीना एक प्रकार का ऊन है, तो इसका जो परीक्षण केंद्र खोला जाएगा वो खोला जाएगा लेह में, ठीक है, कहाँ पे खोला जाएगा, लेह में। पश्मीना एक अच्छी गुणवत्ता के कश्मीरी ऊन है। और अब बात आ गई है लेह की, तो बगल में ही है लद्दाख। आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा सौर्य संयंत्र कहाँ पे लगने वाला है, तो लद्दाख में 2023 तक बनके तैयार हो जाएगा। अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि कितने लोगों को याद है। क्वेश्चन हमारा, मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब किसने जीता, भाषा मुखर्जी में, और ये मिस वर्ल्ड में इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करेंगे, तो सुमन राव जो कि बिलोंग करती हैं राजस्थान से।
अगला हमारा कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने GJ-35-7D नामक नए ग्रह की खोज किया है, तो अमेरिका ने इसकी खोज किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पुलिस जांच में डिजिटल फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। फिर हमारा कि किस देश ने आवाज से कंट्रोल होने वाली साइकिल बनाया है, तो ऐसा करने वाला है चाइना। नेक्स्ट है हमारा कि चीन की भुगतान प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर हमारा कि गिनी के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, रामनाथ कोविंद को। अभी ये गिनी, गाम्बिया और बेनिन की यात्रा पर गए हैं और ये तीनों अफ्रीकी देश हैं। अगला हमारा कि किसे नया लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया गया है, तो गिरिराज प्रसाद गुप्ता को। फिर हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में महात्मा गांधी और खादी पर प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया है, तो गाम्बिया में। नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30+1 से बढ़ाकर कितना करने की अनुमति दिया है, तो 33+1 करने की अनुमति दिया है। फिर हमारा लियोनेल मेसी किस देश से हैं जिन्हें 3 महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच से निलंबित कर दिया गया है, तो ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। अब ये रहा आज का आपका क्वेश्चन, मिसर चंद्रयान के लैंडर का नाम क्या है, सोचिए और सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी, हमारा मिशन चंद्रयान सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।